आइडेंटिफिकेशन करना सीख लिया, ठीक है। हमने आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जर्नल एंट्री करना भी सीख चुके हैं। अरे वाह, जर्नल एंट्री करना भी सीख गए। उसके बाद हमने उसकी लेजर पोस्टिंग करना भी सीख ली। वेरी वेरी गुड, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो गए। लेजर पोस्टिंग के बाद हमने एक और चीज सीखी जिसे हम क्या बोलते हैं, उसके लेजर पोस्टिंग जो बैलेंस बचते थे, इनके हर एक अकाउंट के लास्ट में बैलेंस शीट बचते थे, उसकी भी पोस्टिंग हमने सीख ली। काम लोग कम ऑन जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कहां पे लिखते थे, ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस के बाद क्या करते हैं वो चीज आज हम सीखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनल अकाउंट के आगे स्पेसिफिकेशन क्यों करनी पड़ गई, सोल प्रोप्राइटरशिप, कि फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज बोथ आर डिफरेंट। अगर मैं 2013 से पहले की बात करूं, जब आपका कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो उससे पहले जो आपके फाइनल अकाउंट थे सारे के सारे एक जैसे होते थे, वेदर इट इज अ कंपनीज अकाउंट और वेदर इट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट। बट जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो फाइनल अकाउंट का जो फॉर्मेट होता था वो कंपनीज का अलग हो गया। तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन करनी पड़ रही है बुक में आपके, उन्हें फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर, ठीक है। तो आइए जल्दी से मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, नंबर वन। उसके बाद सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट। तीन अकाउंट एक साथ क्यों सीख रहे सर आज हम, क्योंकि तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। तो आइए जल्दी से मेरे साथ साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, आपकी एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। टी सेप अकाउंट बनेगा, बड़ा प्यारा सा दोनों अकाउंट बनेगा बिल्कुल। आप सब लोग फैमिलियर कहते हैं टी सेप अकाउंट बनते हैं, तो हमने बना दिया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। कम ऑन, एक कॉलम मिस दिख रहा आपको यहाँ पे, डेट का कॉलम मिस है। कम ऑन, क्या मिस है यहाँ पे, डेट का कॉलम मिस है यहाँ पे। कैसा डेटा कॉलम भी आएगा नहीं, फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही बनते हैं, ठीक है। इट्स ए समरी, यानी कि एवरी डेट पे इसकी ट्रांजेक्शन नहीं होती, एक समरी बनाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, मोस्ट प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के लास्ट में बनाते हैं। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एट द एंड ऑफ जो भी ईयर आएगा, दिस ईयर, ठीक है। यानी कि इसमें डेट या कॉलम नहीं आता, ठीक है, फॉर्मेट हो गया। इसे बात करते हैं, आप लोगों ने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट सीखे थे, क्या सीखे थे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। ओ माय गॉड सर, भूल गए हम तो, अरे अकाउंट्स के गोल्डन रूल है वो, उसको हमेशा याद रखो। क्या था आपका नॉमिनल अकाउंट रूल, क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होगा आपका। क्या कॉन्सेप्ट था, मेरे जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारे कहां पे आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। जितनी भी मेरी इनकम होगी वो कहां पे आएगी, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड तो बड़ा आसान काम है, सारे एक्सपेंस यहां पे आएंगे, सारे इनकम यहां पे आएंगे। वेरी वेरी गुड, सही में इतना आसान चैप्टर है ये, फ्री के नंबर है इस चैप्टर के, और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर भी यही है आपका 11th क्लास में, ठीक है। तो अब बात आती है एक्सपेंस के अंदर भी कुछ वेराइटी होती है ना, कुछ कैपिटल नेचर के एक्सपेंस होते हैं, कुछ आपके कौन से होते हैं, समाज रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंस होते हैं। तो आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंस आते हैं वो सारे के सारे रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंस आते हैं। सर रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंस कौन से होते हैं, कैपिटल नेचर के एक्सपेंस कौन से होते हैं। अब इसके लिए तो आपको मेरे जो सेकंड चैप्टर की वीडियो थी वो जाके देखनी पड़ेगी, अदरवाइज वीडियो बड़ी बन जाएगी, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी वैल्यू आती है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपके ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। कम ऑन, रिपीट करो मेरे साथ, सारे के सारे कौन से एक्सपेंस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। पता कैसे लगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट है, एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग, विच इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री, आर कम अंडर द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यानी कि जितने भी आपने क्या लिखा, मैंने ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर कोई भी ऐसा एक्सपेंस विच इज स्पेंड ऑन परचेज, कहां पे आते हैं आपके सारे, डेबिट साइड में आते हैं। तो आइए जल्दी देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर एक ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा, उसको यहां पे देखना आपको सबसे पहले डेबिट में। उसके बाद क्या देखोगे आप, परचेज ढूंढोगे, क्या देखना आपको, परचेज।
तो आप परचेज लिख दोगे सेकंड अमाउंट। परचेज को इनर कॉलम में लिखना है आपको, क्यों इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि परचेज के साथ मोस्ट प्रोबेबली एक एडजस्टमेंट होती है, क्या होती है आपकी परचेज रिटर्न की, क्या होती है परचेज रिटर्न की, यानी कि परचेज माइनस परचेज रिटर्न करने के बाद ही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, कम ऑन स्टूडेंट जल्दी बोलो, रिटर्न आउटवर्ड, या फिर परचेज का क्या लिखा होगा ब्रैकेट में, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपकी रिटर्न हो जाएगी, यहां से उसको हम डिडक्ट कर देंगे, तो अपन नेट अमाउंट यहां पे आ जाएगा। उसके बाद कौन से एक्सपेंस आएंगे, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट। ठीक है, कहां पे आएगा आपका, यहां पे आएगा वेजेस ऑफ द वर्कर, वेजेस किसको मिलता है, लेबर को मिलता है, लेबर कहां पे काम करती है, फैक्ट्री में काम करती है, दैट्स व्हाई वेजेस कहां पे आएगा आपका, इस साइड आएगा आपका, कोल गैस वाटर हीटर सारा कहां आएगा, यहां पे आएगा। इम्पोर्ट ड्यूटी कहां पे आएगी, सामान खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इम्पोर्ट ड्यूटी पेड करनी पड़ेगी। कस्टम ड्यूटी सारी कहां पे आएगी, यहां पे आएगी आपकी। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री, एक्सपेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपेंस ऑन परचेज, ये तीन तरीके के खर्चे जिन्हें बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, वो सारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ओके। इसके अलावा कोई और डाउट हो आपका तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि फॉर्मेट तो आपके बुक में दे ही रखा है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में फॉर्मेट भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इस साइड क्या आता है, इस साइड क्या आती है आपकी, ऑल डायरेक्ट इनकम, क्या आती है डायरेक्ट इनकम। भाई मान लो मैं टीवी मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ, सेल करता हूँ, तो जितनी भी इनकम मुझे टीवी सेल करने से होगी सारी क्या है मेरी, क्या है सारी मेरी डायरेक्ट इनकम है। तो सेल्स नाम जो आपको मिलेगा, सिंपल सेल्स, वो आपकी क्या है डायरेक्ट इनकम है। सेल्स अब क्या होता है, एक बार सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, फाइनल अमाउंट आपको यहाँ पे आ जाएगा। एट द लास्ट क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक के लिए की वर्ड बड़े ध्यान से सुनो, मार्केट वैल्यू एंड कोस्ट, विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में से कम होगा उस पे क्लोजिंग स्टॉक को शो करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको बोला कि मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपीस की है और उसकी कॉस्ट जो है 4 लाख रुपीस की है, तो कितने में शो करोगे आप उसे, 4 लाख रुपीस पे, विच एवर इज लोअर। वाई सर ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रोविडेंस प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं। अगर प्रिंसिपल पे अच्छे ध्यान नहीं है तो आई बटन पे क्लिक करके अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ लीजिए, क्योंकि वो चैप्टर आपका फाइनल अकाउंट से लेके, मतलब फाइनल पेपर से लेके फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट आपका ग्रेजुएशन तक में काम आने वाला है, तो कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए वहां पे। तो प्रोविडेंस प्रिंसिपल जैसे यहाँ पे जो भी लोअर होता है उसको यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, और आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। जस्ट इससे आपके सामने फॉर्मेट आने वाला है, उस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, एनालाइज कीजिए, कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, फॉर्मेट आ गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब फॉर्मेट में आपने क्लास में एक वर्ड देखा होगा सर, ग्रोस प्रॉफिट, वो तो आपने बताया नहीं हमें। हाँ स्टूडेंट्स, आपका देखो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तो क्या होता है, दोनों साइड कुछ बैलेंस बचेगा किसी भी एक साइड में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहां पे बचता है, यहां पर लिखा हुआ टू ग्रोस प्रॉफिट, ये क्या है बैलेंसिंग फिगर, आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा। अगर यही बैलेंस फिगर बाय चांस अगर इस साइड बच गया तो जो बैलेंसिंग फिगर का नाम होगा वो होगा ग्रोस लॉस। कम ऑन, क्या होगा ग्रोस लॉस। इसके साथ ही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट खत्म। कोई प्रॉब्लम है इसमें अब नहीं? ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, पी एंड एल अकाउंट। तो ये जो ग्रोस प्रोसेस सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होगी, ये जो आपका ग्रोस प्रॉफिट बचा है इस ग्रोस प्रॉफिट को यहां से उठा के यहां पे ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट एज इट इज। अगर ग्रोस लॉस बचेगा आपका, कम ऑन, अगर ग्रोस लॉस बचेगा तो यहां से उठ के डेबिट साइड में आ जाएगा, अपोजिट ग्रोस पोस्टिंग होगी। क्लियर? ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया सबका। अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, यहां पे क्या लिखा मैंने, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको कुछ नहीं करना, आपको ऊपर वाले डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम याद कर लो, उसके अलावा जितने भी एक्सपेंस है सारे कहां पे आ जाएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। कल कुछ नाम बताइए सर, रेंट यहां पे आएगा, सैलरी यहां पे आएगी, कमीशन पेड यहां पे आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड यहां पे आएगा, डेप्रिसिएशन यहां पे आएगी,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉसेस ऑल्सो, लॉस बाय फायर, ओ माई गॉड, यही आएगा। ठीक है, और बोलो कम ऑन जल्दी जल्दी बोला भाई, क्या क्या आएगा और क्या सकता है? बैड डेट, पैसा डूब गया, यहां पे आएगा। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, आप लोगों ने डिस्काउंट दिया, यहां पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से कितने नाम लिखूं, फॉर्मेट छोटा पड़ जाएगा, अभी आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगा मैं। तो यहां पे सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। अच्छा, एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग, नहीं, इट इज योर कैपिटल नेचर एक्सपेंस, इसलिए यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या आपका कैपिटल नेचर खर्चा है, बैलेंस शीट में आएगा, आपकी एसेट्स है वो। ठीक है, ओके, एक्सपेंस ऑन सेल्स, एक्सपेंस ऑन परचेज कहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं ट्रेडिंग में। एक्सपेंस ऑन सेल कहां पे आते हैं, इसके अंदर आएंगे। कैरिज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ठीक है, ऑक्ट्रे आउटवर्ड, सब कुछ यही आने वाला है। आउटवर्ड है तो इनवर्ड है तो ऊपर, अगर आपको मिलता है कैरिज इनवर्ड मीन्स किसके ऊपर स्पेंड करते हैं, वो परचेज पे स्पेंड करते हैं। ठीक है, अगर सिंपल कैरिज लिखा है उसके आगे ना इनवर्ड लिखा है ना आउटवर्ड लिखा है, ऐसे में क्या करें, ओ माई गॉड, सर कंफ्यूजन हो गई, तो क्या करें स्टूडेंट्स? अगर आपको सिंपल कैरिज वर्ड मिलता है तो उसको उठा के ऊपर लिख देना है ट्रेडिंग अकाउंट में। ऊपर का मतलब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, नीचे का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, ऊपर लिख देंगे उठा के, क्योंकि अगर कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है तो इसका मतलब आपने वो ऑन परचेज है, इनवर्ड है वो। ठीक है, ओके, इसके बात करते हैं इस साइड क्या आता है, ऑल इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, सेल्स। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है आपका, आपको रेंट कोई रिसीव हो गया बाई चांस, ओके, ठीक है सर, आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया, बेनिफिट हो गया, मतलब ना चाहूं डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो यहां पे आएगा। इसके अलावा कुछ और बताइए आपको जिसमें डाउट हो जल्दी। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड यहां पे आएगा, यानी कि जिस भी चीज के आगे रिसीव्ड लिख दे या क्रेडिट बैलेंस में लिखा हो वो चीज यहां पे आएगी। क्रश इतने सारे एक्सपेंस के नाम हो कैसे याद रखें, याद करने नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में याद कर लो, बाकी जितने भी एक्सपेंस है सारे पीडीएफ में डाल दो, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल्स, एक्सपेंस रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट, सारे कहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे। एक्सपेंस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कहां पे होती है बताओ जल्दी से, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होती है, फैक्ट्री एक्सपेंस कहां पे आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। यानी कि दोनों एक साथ भी बना सकते हो आप, क्वेश्चन में चीजें पढ़ते जाओ, जो आइटम ट्रेडिंग में आना चाहिए ट्रेडिंग में डाल दो, जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो, मतलब फाइनल अकाउंट में डाल दो। उसका क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है, इसका बैलेंस हमें ट्रांसफर कर देना है, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके साथ ही जल्दी से आपका स्क्रीन पे प्रॉफिट एंड लॉस का एक फाइनल फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, जल्दी से गो थ्रू कीजिए उसको आराम से, आपकी बुक में भी दे रखा है उस फॉर्मेट को, आराम से पढ़िए, कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से फॉर्मेट आप देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका फाइनल अकाउंट का पी एंड एल में जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, हमने फॉर्मेट दिखाया। अब हमने जब ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा तो वहां पे क्या था, लास्ट में क्या बैलेंस बचता था हमारा, ग्रोस प्रॉफिट, कम ऑन रिपीट करो, क्या बचता है, ग्रोस प्रॉफिट, या फिर इधर बचेगा तो ग्रोस लॉस। ऐसे ही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जब हमारा बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को क्या बोलते हैं हम, इस बैलेंस को बोलते हैं, इधर बचेगा तो नेट प्रॉफिट। ठीक है, और अगर इस साइड बचेगा तो क्या बचेगा, नेट लॉस। खत्म बच्चों, खत्म, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही खत्म हो गए, अंतिम सांस ले रहा है ये चैप्टर आपका। जल्दी से आइए बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट तो बड़ी ही सिंपल है, जितनी भी आपकी एसेट्स होती है सारी एसेट्स के नीचे आ जाएगी, जितनी भी आपकी लायबिलिटी है यहां पे आ जाएगी। एसेट्स के अंदर दो तरीके की एसेट्स होती है, समार नॉन करंट एसेट्स एंड समार करंट एसेट्स। नॉन करंट फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट मशीनरी बिल्डिंग लैंड है ना, गुडविल पेटेंट्स कॉपीराइट, दीज ऑल आर योर एसेट्स, यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपका डायरेक्ट करंट एसेट्स में क्या होता है, आपका आपके जितना भी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये कोई एक्सपेंस है नहीं, एसेट्स है, बिल रिसीवेबल यहाँ पे आएगा, कोई आपको सेल कोई इनकम फ्यूचर में मिलने वाली है ना, और एक्यूरेट इनकम यहाँ पे आएगी आपकी। तो इस तरीके से आपकी ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो जाएगा। अभी फॉर्मेट आपको दिखाने वाला हूं दो मिनट में आपको। तो यहां पे आपकी क्या जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स यहां पे आ जाएगी और करंट एसेट्स यहां पे आ जाएगी। तो फिक्स्ड एसेट नाम मैंने बताया आपको, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी गुडविल पेटेंट्स कॉपीराइट, ठीक है,
करंट अकाउंट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल्स, सन्डे डेटर, ठीक है, इस तरीके से एक्यूरेट इनकम, कोई भी एक्यूरेट इनकम आपकी, ठीक है, या फिर आपने प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इस तरीके से आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट में एसेट साइड का काम हमारा खत्म। अब बात करते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या आएगा। लायबिलिटी साइड में सबसे ज्यादा सीखने वाली चीज है वो है आपकी कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल प्लस जो आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट बचा है। कम ऑन, क्या बचा है, फाइनल अकाउंट से नेट प्रॉफिट, ये यहां से उठ के यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा है। हाँ बच्चों, हाँ आप क्या करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, जब आपको कोई प्रॉफिट होता था सेल से तो क्या करते थे, उसे कैपिटल के अंदर प्लस करते थे। सेम वही काम है, नेट प्रॉफिट उठ के यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट अगर लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, वेरी वेरी सिंपल, प्रॉफिट प्लस होगा तो लॉस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो अगर नेट लॉस हुआ तो लिखने जरूर समझ जाओगे आप, ठीक है। माइनस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर आपने कोई इनकम टैक्स पेड करा है, कमाओ ध्यान से सुनो, इनकम टैक्स पेड करा आपने तो यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ड्रॉइंग का ही पार्ट होता है वो इनकम टैक्स। अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करा है, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस ये सब होगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस किसकी होती है, ओनर की होती है, अलग से होती है वो, तो ओनर की हो रही है तो बिजनेस और बिजनेस के मालिक दोनों क्या है, बोथ आर सेपरेट। मैं अगर अपनी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में डालूंगा तो क्या होगी, एक तरीके से वो मेरी ड्रॉइंग होगी। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। इसके बाद आपकी आपकी सारी करंट एसेट आ जाएगी, सॉरी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। करंट लायबिलिटी क्या होती है आपकी, करंट लायबिलिटी में आपके क्या क्या आता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्रेडिटर, और क्या आएंगे आपके, बिल्स पेबल, और क्या आएंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ एनी एक्सपेंस, और क्या आएंगे, एडवांस ऑफ इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन। इसी तरीके से आपका फॉर्मेट होगा। जल्दी से आपके पास स्क्रीन पे फॉर्मेट आने वाला बैलेंस शीट का, उस फॉर्मेट को बड़े ध्यान से जल्दी से एनालाइज करेंगे, देखेंगे फॉर्मेट आ गया है। तो इसके साथ ही हमारा फाइनल अकाउंट का विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर प्रॉपरली खत्म हो गया। इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको स्पेसिफिक डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन में बताइए। कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो उनको मैं सोल्व करने के अलग से वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपका फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया है। इसके अलावा कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं और टोटली ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से गो थ्रू करो, कोई डाउट आए पता ही आप लोग, कितनी बार बोलूं, कहां पे बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे मैक्सिमम स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके इसका। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।